साबिक निगरान वजीर आजम मीर बलख शेर मजारी 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 3 हफ्तों से लाहौर के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। मीर बलख शेर मजारी कोट करम खान में कदीम मजारी कबीले के सरदार मीर मुराद बख्श खान के घर 8 जुलाई 1928 को पैदा हुए। इन्हें 1933 में वालिद की वफात के बाद मजारी कबीले का चीफ बना दिया गया। आबाई इलाके में इब्तदाई तालीम के बाद मीर बलख शेर मजारी ने 1945 में एचिसन कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और फिर रोजान मजारी में रिहाइश पजीर हो गए। 1951 में सियासत में आए और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डेरा गाजी खान के चेयरमैन मुंतखब हुए, फिर मुस्लिम लीग पार्लियामानी बोर्ड के रुकन बने। 1955 में पाकिस्तान दस्तूर साज असेंबली जबकि 1956 में मगरबी पाकिस्तान असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 1973 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से MPA जबकि 1977 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए। 1985, 1990 और 1993 में भी मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब होते रहे। बलख शेर मजारी अपने कबीले के 22वें सरदार और मजारियों के 7वें मीर हैं। कबीले के सरदार के तौर पर इन्हें मीर का खिताब दिया गया। बलख शेर मजारी के अलावा इनके भाई शेरबाज खान मजारी ने भी पाकिस्तान की सियासत में नुमाया किरदार अदा किया था। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मीर दोस्त मोहम्मद मजारी इनके पोते हैं। 1993 को सदर गुलाम इसहाक खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ करने के बाद मीर बलख शेर मजारी को निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया था, लेकिन 26 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। इस तरह मीर बलख शेर मजारी 39 दिन हुकूमत करने के बाद वजीर आजम हाउस से रुख्सत हो गए।